नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। हम लोग वैसे ही कार में बैठे हुए थे और बातचीत चल रही थी, तो मतलब एक सवाल आया कि भाई अगर गाड़ी को मतलब पांचवे गियर में जब गाड़ी चल रही हो स्पीड में और एकदम से अगर कोई फर्स्ट गियर लगा दे तो क्या होगा। अपन जैसे गलती से बाइक वगैरह में तो खैर ऐसा लग जाता है, तो ऐसा लगता है भाई मतलब गाड़ी एकदम से झटके मार के रुक जाती है और ऐसा लगता है गियर वेयर टूट जाएगा ऐसा कुछ। तो ये तो बाइक का मतलब मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन कार में क्या होता है ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि जब हम पांचवे गियर से डायरेक्ट फर्स्ट गियर लगाते हैं हाई स्पीड पर तब कार में क्या होता है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा है, बट ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे। तो पर्टिकुलर टाटा टियागो में आज हम ये चीज़ करके देखने वाले हैं। और अभी मैं चल रहा हूँ सेकंड गियर में और ये मैं थर्ड गियर लगाया मैंने, ये फोर्थ गियर लगाया मैंने, शायद फोर्थ गियर क्या आगे की तरफ अगर आप देखें तो। सो गाइज यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा बस जा रही है सामने, पांचवा गियर तो खैर मैंने लगा दिया, आरपीएम 1500 है मेरे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ करता हूँ और गाड़ी एकदम से रुक जाती है तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं थोड़ी सी खुली रोड में जा करके एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है। एक्चुअली अभी संडे और होली वाले दिन क्या था कि भोपाल में चल रहा था लॉकडाउन, थोड़ा जगह जगह पर बैरिकेडिंग है इसलिए, और भाई ज़्यादा बाहर जाना हो नहीं पा रहा हाईवे पे ऐसे टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो घर के पास जो भी फोर लेन है वहीं पर कर लेते हैं। ये बस फिर आ गई, ये आए उससे पहले अपन को टेस्ट करना है। ओके, तो हमें खाली रोड मिल गया है, ये मैंने सेकंड गियर लगाया, ये थर्ड गियर लगाया, फोर्थ गियर लगाया, ये फिफ्थ गियर में लगा चुका हूँ। स्पीड अगर आप देखें मेरी 60 पर है और ये थोड़ा सा मैंने वापस से डाउन शिफ्ट किया और अब मेरे सामने खाली रोड है। पांचवे गियर के बाद अब मैं सीधा न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर लगाने वाला हूँ। तो ये और फर्स्ट गियर ये मैं जब लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे गियर को फर्स्ट गियर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा क्लच पूरा दबा हुआ है लेकिन फर्स्ट गियर नहीं लग रहा भाई, फर्स्ट गियर नहीं लग रहा। मतलब हायर स्पीड पर आप कार्स में अगर ऐसे फर्स्ट गियर या सेकंड गियर अचानक से लगाना चाहें तो नहीं लग रहा, और अब जो स्पीड है मेरी 30 के नीचे आ गई जब, तब जा कर के ये गियर लगा है। आई थिंक ये जो चीज़ है ये अभी मेरा फर्स्ट गियर इंगेज हो गया, लेकिन जब स्पीड थोड़ी सी हायर थी 30 से ऊपर जाने के बाद आई थिंक ये जो फर्स्ट गियर है ये इंगेज नहीं होता। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कार्स में, क्योंकि अगर ये बाई चांस अगर गलती से लग जाए तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, पूरा का पूरा गियर बॉक्स उनका रेशियो गड़बड़ा जाएगा, आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आ सकता है। तो ये जो भी मतलब इसके अंदर सिस्टम है गियर बॉक्स के अंदर, गियर लॉक हो जाते होंगे, कुछ हो जाते होंगे, भगवान जाने, मुझे तो नहीं पता अंदर क्या होता, लेकिन भाई जो गियर है वो नहीं लगता, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और ये जो कार आजकल की इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये देख करके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।